अभी हम क्रैंक हैंडल कटआउट कॉन्टैक्ट असेंबली डिटेल में देखेंगे। इट डिस अलाउज साइमल्टेनियस पावर एंड मैनुअल ऑपरेशन ऑफ पॉइंट मशीन टू प्रोटेक्ट स्टाफ परफॉर्मिंग क्रैंक हैंडल। अगर कोई क्रैंक हैंडल कर रहा है तो मैनुअल ऑपरेशन में क्रैंक हैंडल करने वाला उसका हाथ डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पावर कट ऑफ कर देता है और मशीन सिर्फ क्रैंक हैंडल से ही चल सकती है। ऑर्डिनरीली क्रैंक हैंडल कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द मशीन। अगर हमारा मशीन अभी वर्किंग में है, हमने क्रैंक हैंडल लेके आए और यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगता नहीं है, क्योंकि उसको इंसर्ट करने के लिए क्रैंक हैंडल की होना जरूरी है। टर्निंग ऑफ क्रैंक हैंडल की परमिट्स अलाउज इंसर्शन ऑफ क्रैंक हैंडल इन द मशीन। जब तक हम क्रैंक हैंडल की लगाएंगे नहीं तब तक हम क्रैंक हैंडल मशीन में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, टर्निंग ऑफ क्रैंक हैंडल की आइसोलेट्स द नेगेटिव पावर पाथ ऑफ मोटर। जो पॉजिटिव नेगेटिव हमारा आता है, जैसे बी 110 N 110, तो N 110 क्रैंक हैंडल की के कॉन्टैक्ट में आइसोलेट करता है। जब क्रैंक हैंडल की हम इंसर्ट करते हैं तो आइसोलेट करता है। इट कंप्राइजेस ऑफ क्रैंक हैंडल कटआउट कॉन्टैक्ट, फ्लैप कवर प्लेट, क्रैंक हैंडल की, ये तीन चीजें इसमें रहती है। नेक्स्ट, देयर आर टू सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ये कटआउट में दो सेट होते हैं कॉन्टैक्ट के, तो हम उसको पैरेलल में यूज कर सकते हैं। दीज कॉन्टैक्ट्स आर वायर्ड इन नेगेटिव पाथ ऑफ पावर सप्लाई टू मोटर। मोटर का जाने वाला पावर सप्लाई का नेगेटिव जो होता है इसमें कटा हुआ होता है, और जब क्रैंक हैंडल की इन होती है तो ये मेक होते हैं क्रैंक हैंडल की। जैसे कॉन्टैक्ट ब्रेक ओपन विथ इंसर्शन एंड टर्निंग ऑफ क्रैंक हैंडल की, हमने चाबी डाल दिया, चाबी डालने के बाद उसको टर्न करेंगे तो ये क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। मेक्स व्हेन क्रैंक हैंडल की इज टेकन आउट। अगर हमको क्रैंक हैंडल की आउट करना है तो हमको लेफ्ट में टर्न करना पड़ेगा, उसके बाद जब हम आउट करेंगे तब ये मेक हो जाएंगे। अब ये सेम क्रैंक हैंडल कटआउट कॉन्टैक्ट यहां दिया है, ये जो दो कॉन्टैक्ट होते तो एक ये कॉन्टैक्ट है और ये दूसरा है। अभी ये मेक कंडीशन में बताया है, तो हम इसको नेगेटिव में यूज करते हैं N 110 में, और इसको दोनों कॉन्टैक्ट को पैरेलल कर देते हैं। ये जो फ्लैप दिया है, जब हम यहाँ उसका चाबी इंसर्ट करेंगे, क्रैंक हैंडल की इंसर्ट करेंगे और रोटेट करेंगे, तो ये प्लेट इधर शिफ्ट होगा, प्लेट शिफ्ट होगा, साथ साथ में ये जो फ्लैप लगा हुआ है इसके ऊपर ये भी टर्न हो जाएगा, और यहाँ जो इसके लिए क्रैंक हैंडल इंसर्ट करने के लिए होता है शाफ्ट होती है, उसमें क्रैंक हैंडल हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसमें बताया है अभी ये क्रैंक हैंडल की इंसर्ट होने के बाद में जो टर्न किया है उसके बाद ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गए, ये भी कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, ये भी कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, और ये फ्लैप तिरछी होने से ये हमारा शाफ्ट एक्सेस हो गया उसको क्रैंक हैंडल डालने के लिए। क्रैंक हैंडल डाल के हम इस पर क्रैंक हैंडलिंग करेंगे तो पॉइंट चला सकते हैं, और हमारा पावर, अगर पावर से भी कोई चलाने का कोशिश करेगा तो पावर यहाँ कट है, मशीन को पावर जाएगा नहीं।